अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इजाज रहीम और इन ट्यूटोरियल्स में मैं एक ट्यूटोरियल सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसमें हम वेब स्क्रैपिंग पाइथन के थ्रू सीखेंगे कि हम बेसिक्स लेवल से एडवांस लेवल तक कैसे स्क्रैपिंग कर सकते हैं। वेब स्क्रैपिंग इसमें मोबाइल स्क्रैपिंग भी, मोबाइल ऐप स्क्रैपिंग भी इंक्लूड होगी आखिर में। और फिर पहले वेब स्क्रैपिंग से हम स्टार्ट लेते हैं। तो पाइथन, मुझे उम्मीद है जो लोग ये देख रहे हैं उन्हें पाइथन आती होगी। जिनको पाइथन नहीं आती, मैं उन्हें एडवाइस करूँगा कि वो पाइथन सीखे पहले। अच्छा जी, हमें बहुत सी चीज़ें सिखाई जाती है पाइथन कोर्सेज में, पाइथन ट्यूटोरियल्स में, लेकिन हमें उनका नहीं पता कि किस चीज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं अपनी रियल लाइफ में या ऐसी कुछ चीज़ों में। तो ये एक फील्ड है वेब स्क्रैपिंग, जिसमें हम उनको कारामत बना सकते हैं उन चीज़ों को जो हमें सिखाई गई है। इससे हज़ारों और फील्ड भी हैं, जैसे कि डेटा साइंसेज है, एआई है, मशीन लर्निंग है और ऐसी बहुत सी चीज़ें जिस पाइथन के थ्रू हम कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि पाइथन का कौन सा वर्जन यूज़ करना है और किन चीज़ें हमें ज़रूरी है जो हम यूज़ कर सकते हैं। पाइथन का अभी जो वर्जन चालू है 3.8, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, जितना लेटेस्ट हो बेहतर है, मगर मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो है पाइथन 3.7, जो कि आप ऐसे ही डाउनलोड कर सकते हैं। आप python.org/downloads में आप जाना है आपको, और इस डाउनलोड्स से ऑल रिलीजेस में जाना है, और यहाँ से आपने 3.7 जो है आपने सेलेक्ट कर देनी है। मेरे पास जो है 3.7.4 है, लेकिन आप जो भी करना चाहे आप डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ आके आपने नीचे आना है और नीचे यहाँ आपने अपने सिस्टम के मुताबिक, आपके पास मैक ओएस है या विंडो है या लिनक्स है, लिनक्स में ऑलरेडी इंस्टॉल होती है, तो मैक ओएस है या विंडोज़ है आप कर सकते हैं। आप यहाँ से इंस्टॉलर डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं, ये 64-bit ओएस के लिए, ये 32-bit ओएस के लिए। अच्छा चलिए, ये हो गया पाइथन। अब आईडी आप जो चाहे वो यूज़ कर सकते हैं, आप पाइशाम चाहे, आप कोड ब्लॉक चाहे, आप एटम चाहे, आप सबलाइम चाहे, आप आइडियली में ही करना चाहे, नोट पैड में, जो भी जहाँ भी हो आपको जहाँ बेहतर लगे वो कर सकते हैं। मैं जो यूज़ करूँगा, मैं सबलाइम यूज़ करूँगा, सबलाइम सबलाइम टेक्स्ट, जिसका 2 वर्जन अभी चालू है, मैं यही यूज़ करूँगा इन ट्यूटोरियल्स के लिए, क्योंकि ये मेरा फेवरेट है, तो इसलिए मैं यही यूज़ करूँगा। ये हो गए हमारे पास जो रिक्वायरमेंट्स थे। अभी स्क्रैपिंग में जो हम मॉड्यूल्स इंस्टॉल करेंगे उसकी रिक्वायरमेंट्स, कौन कौन से मॉड्यूल्स हमें चाहिए, कौन कौन से नहीं। फ़िलहाल जो हमें मॉड्यूल्स चाहिए वो 3 है, 3 मॉड्यूल्स हैं। एक है रिक्वेस्ट, एक है BS4 ब्यूटीफुल सॉप 4 और एक है LXML, जो कि हमारे पास रिक्वायरमेंट्स है। मॉड्यूल्स इसमें से और भी यूज़ होंगे, जो कि कुछ बिल्ट इन इंस्टॉल होंगे, पहले से इंस्टॉल, प्री इंस्टॉल, और जो कि हम बाद में ही इंस्टॉल करेंगे जब यूज़ होंगे, जैसा कि ओपन पाई एक्सेल, XML टू डेक्ट या इस तरह की और चीज़ें। अच्छा जी, हम अब स्टार्ट लेते हैं, एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाते हैं ताकि जो हमारी रियल एनवायरनमेंट है वो उससे इफेक्ट ना हो, या जो हमारी हम जिस में कोड कर रहे हैं उसमें हम इजाफी कुछ चीज़ें इंस्टॉल ना करें।
हमारे कोर्ट जहाँ आए हम वहाँ जाएंगे और वहाँ एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाएंगे। तो वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास एक पाइथन का मॉड्यूल हो जिसे हम कहते हैं वर्चुअल ईएनवी। वर्चुअल ईएनवी के नाम से एक मॉड्यूल है जो वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाता है। ये हो गया हमारे पास इंस्टॉल वर्चुअल एनवायरनमेंट। अब हम बनाते एक वर्चुअल एनवायरनमेंट। हम करेंगे पिप इंस्टॉल हम करेंगे वर्चुअल ई एन वी जो कि हमारे पास जो हमने इंस्टॉल किया, और हम वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम देंगे। अगर आप यहीं बनाना चाहते हैं तो आप डॉट दे दें। अगर आप कोई फोल्डर में बनाना चाहते हैं या एक ऐसी एक नेम तो आप दे दें वर्चुअल। फॉर एग्जांपल वर्चुअल नेम मैंने दिया हुआ है तो मैं वर्चुअल दूंगा, या ई इन वी सिंपल ई इन वी ही दे दें तो सभी ठीक रहेगा। मैं डॉट ई इन वी में सेव कर लूँ बस। ये हमारे पास एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाएगा। इसने हमारे पास एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बना दिया। अब हम इसको एक्टिवेट कैसे करेंगे? हम इसको एक्टिवेट डॉट पी एन वी स्लैश स्क्रिप्ट स्लैश एक्टिवेट जिस फोल्डर में आपने एनवायरनमेंट बनाया हुआ है उसमें स्क्रिप्ट्स फोल्डर है, एक स्क्रिप्ट डायरेक्टरी है, उसमें एक्टिवेट फाइल है जो कि आपने रन करनी है, तो ये हमारे पास एक्टिवेट हो जाएगा। अब हमारे पास देखते हैं कौन सी मॉड्यूल्स अवेलेबल है। तो फ़िलहाल हमारे पास कोई भी मॉड्यूल अवेलेबल नहीं है। अब हम देखते हैं हमारे पास पाइथन का वर्जन कौन सा है। हमारे पास है 3.7.6 फ़िलहाल हमारे पास पाइथन का वर्जन है। अब हम लेवल 1 में जाते हैं जिस जहां हमारे पास रिक्वायरमेंट्स डॉट टी एक्स टी एक फाइल। रिक्वायरमेंट्स डॉट टी एक्स टी में मैंने जो मॉड्यूल्स हमें रिक्वायर है वो सेव किए, तो हम इसको इंस्टॉल करेंगे। आप एक ही इंस्टॉल कर सकते हैं, पिप इंस्टॉल और मॉड्यूल का नेम, एक मॉड्यूल का नेम, दूसरे मॉड्यूल का नेम, तीसरे मॉड्यूल का नेम। और आप फाइल से इंस्टॉल करना चाहे तो वो भी माइनस आर फ्लैग के थ्रू आप कर सकते हैं, माइनस आर और उस फाइल का नेम, तो ये आपके पास इंस्टॉल हो जाएंगे। अच्छा जी, रिक्वेस्ट क्या चीज़ है? रिक्वेस्ट हमारे पास रिक्वेस्ट भेज दी है एक वेबसाइट को जो वेबसाइट हमने इसे प्रोवाइड की है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये यहाँ लिखता हूँ google.com, तो ये हमने इसको एक गेट रिक्वेस्ट भेज दी। और अगर मैं यहाँ कुछ साइन इन में जाके यहाँ मैं अपना ईमेल लिखता हूँ, अगर यहाँ मैं पासवर्ड लिखता हूँ अपना, तो ये हमारे पास जाती हैं पोस्ट रिक्वेस्ट में। तो ये चीज़ें जो होती है हमारे पास रिक्वेस्ट मॉड्यूल में होती है जो कि हमारे पास ज़रूरी है। कहाँ किसी स्क्रैपिंग में हम लॉगिन भी करते हैं और सिंपल स्क्रैपिंग में हम गेट रिक्वेस्ट भेजते हैं। लॉगिन जो है वो पोस्ट रिक्वेस्ट है, और जो सिंपल वेबसाइट लोड होती है तो गेट रिक्वेस्ट के थ्रू होती है। BS4 जो है ब्यूटीफुल सॉप फॉर, वो क्या करती है, ये हमारे पास HTML में जो टैग्स है, जो टेक्स्ट है, जो एट्रीब्यूट्स है वो ढूंढती है।
वो ये काम करती है, ये बी एस पावर। एलेक्सी मेल क्या चीज़ है? ये एक पार्सर है। बी एस पावर एलेक्सी मेल के थ्रू ही ये हमारे पास एट्रीब्यूट्स और ये सारी चीज़ें ढूंढती है। एलेक्सी मेल क्यों ज़रूरी है? बी एस पावर एलेक्सी मेल के बगैर भी काम कर सकता है। इसमें बाय डिफॉल्ट कुछ पार्सर मौजूद है, जैसे कि एच टी एम एल डॉट पार्सर या दूसरे। एलेक्सी एम एल क्यों ज़रूरी है? ये हमारे पास एक्स एम एल भी मतलब पार्स कर सकता है और एच टी एम एल भी, और ये फास्ट भी है, तो इसलिए हम एलेक्सी एम एल यूज़ करते हैं। अच्छा जी, हम अब बनाते हैं एक फाइल स्क्रिप्ट डॉट पाइथन। हम स्क्रैप किस चीज़ को करेंगे? हम स्क्रैप इस वेबसाइट को करेंगे, लोकेशंस डॉट फाइल बिलो डॉट कॉम। यहाँ हमारे पास है लोकेशंस यूनाइटेड स्टेट के तकरीबन 37 स्टेट्स है। हम कैसे पता कर सकते हैं कि हमारे पास 37 है? हम अगर आपको जावा स्क्रिप्ट आती है तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम, एंड यहाँ इसका क्लास नेम हम पता कर लेंगे जो कि डायरेक्टरी डैश लिस्ट लिंक टेक्स्ट है। डायरेक्टरी हम यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं, इसे हम डायरेक्ट कॉपी कर लेंगे। जो कि लिंक टेस्ट है, टेक्स्ट है, जो कि हमारे पास ज़रूरी नहीं, लेकिन हम इसे लिंक लिस्ट लिंक लेंगे, जो कि हमारे पास लिंक की ज़रूरत है, इसलिए हम लिंक ही लेंगे। तो हमारे पास ये 37 जो है लिंक्स है, 37 स्टेट्स है। इसे हम पाइथन के थ्रू कैसे कर सकते हैं? ये तो हमने जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही कर लिया। पहले तो है रिक्वेस्ट भेजना। हम इस वेबसाइट को रिक्वेस्ट भेजेंगे और फिर ये डेटा बाकी बाद में स्क्रैप करेंगे। तो रिक्वेस्ट कैसे भेजेंगे? हम इंपोर्ट करेंगे रिक्वेस्ट मॉड्यूल से, हम गेट रिक्वेस्ट इंपोर्ट करेंगे। चूँकि हमें सिर्फ गेट ही चाहिए, इसलिए हम गेट रिक्वेस्ट इसे इंपोर्ट करेंगे। इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, पोस्ट है, सेशन है, मुख्तलिफ मुख्तलिफ चीज़ें हैं, लेकिन चूंकि हमें अभी गेट की ज़रूरत है, इसलिए हम गेट रिक्वेस्ट ही इंपोर्ट करेंगे। जो रिक्वेस्ट हम भेज रहे हैं उसे हम एक वेरिएबल में सेव करेंगे, आर। आप इसको आर ई एस भी कर सकते हैं, जो आपका मन चाहे, रिस्पॉन्स भी दे, नेम भी दे सकते हैं, आप जो भी चाहे। जैसे कि आपने पाइथन में पढ़ी, हम गेट रिक्वेस्ट भेजेंगे किस वेबसाइट को? इस वेबसाइट को। इसमें ये स्कीम जो है ये ज़रूरी है, HTTPS है, FTP है, HTTP है, या जो भी है, ये ज़रूरी है लेकिन इसमें। अच्छा जी, ये हमने भेज दिया रिक्वेस्ट। अगर आपने हेडर्स इसमें सेंड करनी है, वो हम बाद में पढ़ेंगे, तो एडवांस लेवल पे जो हम जब हम जाएंगे, थोड़ी लेवल 3 लेवल 4 पे इस तरह हम जाएंगे, तो उसमें पढ़ेंगे कि हमने रिक्वेस्ट में हेडर्स और कुकीज़ और प्रॉक्सीज़, ये चीज़ें हमने कैसे डालनी है। अब हम इसको रिक्वेस्ट भेजेंगे, तो ये हमारे पास रिक्वेस्ट। अब हम इस रिक्वेस्ट को देखते हैं कि ये रिक्वेस्ट इसका रिस्पांस क्या होता है। तो रिस्पांस आर में से हो गया, आर के पास सारी चीज़ें हैं, जैसा कि इसके हेडर्स, जो हेडर्स वापस आते हैं सर्वर से रिस्पांस में, जो एचटीएमएल कंटेंट्स आते हैं या जेसन कंटेंट्स जो भी है, और जो कोड आता है कि मतलब ये सही है, 200 है, 404 है, 303 है, जो भी है वो कोड, ये सारी चीज़ें आर में सेव होगी। अब हम आर डॉट टेक्स्ट के थ्रू इससे जो है इसका टेक्स्ट
मतलब HTML जो है दो चीज़ों में आती है। आप कभी कोई फाइल डाउनलोड करते हैं तो वो आपके साथ सेव हो जाती है, लेकिन आप अगर HTML कंटेंट जैसा कि index.html, आप फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस वेबसाइट को विज़िट करें तो ये हमारे पास एक टेक्स्ट की शेप में आ गया ब्राउज़र को, लेकिन ब्राउज़र ने क्या किया, इसको रेंडर कर लिया। और अगर हम किसी फाइल पर जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने जैसे कि पाइथन डाउनलोड की, पाइथन की एक फ़ाइल डाउनलोड की और वो हम विज़िट की और वो सीधा ही डाउनलोड हो गई, तो वो क्या चीज़ थी, वो बाइट्स थे। जैसा कि हम इंस्टॉलर पे क्लिक करते हैं और ये सीधा डाउनलोड पे चली जाती है, तो ये एक बाइट बाइट होती है बाइट्स की फॉर्म में। तो ये हमारे पास डॉट टेक्स्ट क्या करता है, ये टेक्स्ट की फॉर्म में जो HTML जो रिस्पांस सर्वर से रिस्पांस की गई है तो वो ये टेक्स्ट की फॉर्म में शो करता है। और डॉट कंटेंट क्या करता है, ये हमारे पास बाइट्स के फॉर्म में शो करता है। एक और एट्रीब्यूट है इसमें जेसोन, जो कि जब हमारे पास वेबसाइट से या सर्वर से जेसोन रिस्पांस आता है तो ये उसे जेसोन में कन्वर्ट कर लेता है ऑटोमेटिकली, मतलब डिक्शनरी में कन्वर्ट कर लेता है और आप उसे फिर यूज़ कर सकते हैं इजीली। हम हमारे पास फिलहाल टेक्स की ज़रूरत है तो हम टेक्स ही इसमें यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास HTML कंटेंट्स आ गए, जो HTML कंटेंट्स थे वो हमारे पास आ गए। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन चीज़ों को HTML इन इनके लिंक्स, इनकी काउंटिंग मतलब 20 सिटीज़ है इसमें या जो भी है, ये चीज़ें हमने उठानी है। तो उसके लिए हम ये लिंक जो है ये एक वेरिएबल में यूज़ कर सक करें जो कि बाद में हम यूज़ कर सके अगर हमें ज़रूरत हो। मेन वेबसाइट की कभी ना कभी हमें ज़रूरत होती है, तो इसलिए हमें इस अलग यूज़ करने। अब हम क्या करेंगे, एक और मॉड्यूल हम इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम BS4 जो हमने इंस्टॉल किया था। हम ब्यूटीफुल शॉप हम एक ब्यूटीफुल शॉप जो है इसमें एक क्लॉज है वो हम इंपोर्ट करेंगे। ये क्या करता है, ये वही BS4 एक मॉड्यूल है जिसमें ब्यूटीफुल शॉप क्लास है, उसके थ्रू हम HTML में घूम सकते हैं, उसमें हम चीज़ें उठा सकते हैं। तो ये हम एक इसका रिस्पॉन्स जो है हम एक शॉप में सेव करेंगे जिसमें हम चीज़ें फाइंड करेंगे। शॉप इज़ इक्वल टू ब्यूटीफुल शॉप और इसमें पहला आर्गूमेंट जो है वो HTML होगा, जो साइट से रिस्पॉन्स आई है वही HTML इसका फर्स्ट आर्गूमेंट होगा। आप अगर साइट से नहीं चाहते, अगर आप सिर्फ किसी फाइल से चाह रहे, फाइल्स में ढूंढ रहे, तो आप उस फाइल का रीड जो है मतलब आप उस फाइल का रिस्पॉन्स यहाँ पेस्ट कर सकते हैं, या ऐसी HTML कोई क्वांटिटीज दे सकते हैं टेस्टिंग के लिए, या जो भी हो आप यहाँ लिख सकते हैं। फिलहाल हम वही कर रहे हैं। दूसरा आर्गुमेंट हम पार्सर देते हैं, तो हमारे पास जो पार्सर है वो LXML है जो हमने इंस्टॉल किया था। अगर आपने ये LXML इंस्टॉल नहीं करना और दूसरी चीज़ यूज़ करनी है तो आप HTML.parser यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैं LXML ही यूज़ करूँगा इसलिए मैंने LXML यूज़। ये हमारे पास बन गया शॉप। अब इस शॉप में हम ढूंढते हैं टाइटल, अब देखते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं, तो इस उसके लिए हम बनाते हैं shop.title। इसका टाइटल देखते हैं ये टाइटल क्या है।
तो ये हमारे पास टाइटल टैग आ गया, इसका ये टाइटल है, देखते हैं कि ये हमारे पास टाइटल है कि नहीं। तो ये हमारे पास टाइटल एट्रीब्यूट, वही टाइटल एट्रीब्यूट इसने हमें दे दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम वही चीज़ें उठाएंगे क्लास। इसमें बहुत सी चीज़ें जैसा कि हम मल्टीपल टैग्स फाइंड करना चाहें तो उसके लिए है फाइंड ऑल, और अगर एक ही टैग या एक ही एलिमेंट हम फाइंड करना चाहें तो उसके लिए है फाइंड। इसमें सीएसएस सेलेक्टर्स भी हैं, और एक्सपाथ, अगर आपने एक्सपाथ के थ्रू ही फाइंड करनी है तो आप वो एलएक्सएमएल के थ्रू कर सकते हैं, एलएक्सएमएल ट्री एलएक्सएमएल में है जो कि आप उसके थ्रू कर सकते हैं। चूँकि मेरी ज़्यादा चीज़ जो है मतलब क्लासेस के थ्रू होती है, आईडीज़ के थ्रू, टैग्स के थ्रू, तो मैं एक्स पाथ पे ज़्यादा नहीं जाता। जब भी ज़रूरत पड़ती है तो मैं उसे बहुत कम ही यूज़ करता हूँ, तो इसलिए इसमें एक्स पाथ नहीं होगा। मगर मुझे ज़्यादा डिव्स फाइंड करनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल लिंक्स जो है, असल में हमें लिंक्स ज़्यादा फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, सो डॉट फाइंड ऑल। फाइंड ऑल आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसमें, और ऐसे भी मौजूद है इसमें, मैं ज़्यादातर ऐसा यूज़ करता हूँ। इसमें मुख्तलिफ पैरामीटर्स हैं, पहले पहले पैरामीटर क्या है, टैग नेम। अगर आप किसी खास टैग को फाइंड करना चाहें कि इसमें कितने टैग्स हैं, जितने टैग्स हो ये वाले, फॉर एग्ज़ाम्पल ए टैग्स जितने हो वो मुझे दिखा दे, ये मुझे फाइंड कर ले, तो ये आपको वो टैग्स फाइंड कर लेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रिंट लिंक्स, ये आपके पास जितने ए टैग थे वो आपके पास आ गए, स्किप कंटेंट्स या जो भी जितने ए टैग्स थे वो आपके पास आ गए। इसमें दूसरा आर्गुमेंट जो है वो है मल्टीपल एट्रीब्यूट्स, आप इसमें एट्रीब्यूट्स डाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास इसमें कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं डेटा वाई एट्रैक ये वाला एट्रीब्यूट फाइंड कर सकूं, तो आप यहाँ डाल सकते हैं ये, कि अगर ये ट्रू हो या मतलब ये मौजूद हो तो ट्रू डाल दें, ना मौजूद हो तो फॉल्स डालें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं जिसके पास ये डेटा वाई एट्रैक ना हो, ये एट्रीब्यूट ना हो, तो वो वाले वाई ए टैग्स मुझे फाइंड कर ले। अगर मैं ट्रू डालूँ तो इसका मतलब जिसके पास डेटा वाई एट्रैक हो तो वो वाले मुझे फाइंड कर ले। अगर मैं इसको कोई वैल्यू देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल लिंक स्लैश, तो ये जिसके पास ये लिंक्स ये एट्रीब्यूट हो, और इस एट्रीब्यूट में भी फिर जिसके पास ये लिंक्स हैश हो, तो वो वाले मुझे फाइंड कर लें। आप इसमें क्लास भी डाल सकते हैं, आईडी भी डाल सकते हैं, एसआरसी भी डाल सकते हैं, मुख्तलिफ एट्रीब्यूट्स भी डाल सकते हैं। इसमें आप मल्टीपल एट्रीब्यूट्स भी डाल सकते हैं जो कि सारे मैच हो गए और आपको वही देंगे, रिस्पॉन्स देंगे। इसमें और एट्रीब्यूट्स हैं, क्लास है, क्लास आप वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं, आईडी, और क्लास आप यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ आप क्लास दे दें, बेशक आप टैग नेम यूज़ ना करें, आप सिर्फ क्लास के थ्रू फाइंड करना चाहें, आप यहाँ क्लास दे दें, मल्टीपल क्लास दे सकते हैं, ए हो गया, बी हो गया, ये हमारे पास दो क्लास हो गए, ये हमारे पास हो गया क्लास। आप आईडी के थ्रू भी फाइंड कर सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास यहाँ एक आईडी है, स्किप नव, स्किप नेविगेशन, आप इसके थ्रू आप फाइंड कर सकते हैं जिसके पास होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल सिर्फ ए नहीं, जिन
एट्रीब्यूट्स के पास, जिन एलिमेंट्स के पास ये आईडी होगा, ये क्लास होगा, ये सारे आपके पास आ जाएंगे। तो ये हो गया आईडी। फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स है, फॉर एग्जांपल डिव टैग जो है, हम मल्टीपल डिव टैग यूज़ कर सकते, नेस्टेड हम यूज़ कर सकते। फॉर एग्जांपल एक डिव टैग में दूसरा डिव टैग डाल सकते। तो उसके लिए आप, फॉर एग्जांपल आप सिर्फ पेरेंट डिव टैग उठाना चाहे, आप उसके अंदर ना जाएं, या li, इस तरह हमारे पास ul टैग्स जो है, लिस्ट जो आती है, फॉर एग्जांपल ul आती है, उसमें li होती है, li के दन अंदर फिर ul होते हैं। तो अगर आप सिर्फ ये फर्स्ट ul या फर्स्ट li फाइंड करना चाहें, तो आपके लिए वो आप ये एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं, फाइंड चिल्ड्रन इज इक्वल टू फॉल्स। आपके पास सिर्फ पेरेंट टैग्स आ जाएंगे। तो अब हम जाते हैं, आपके पास जो सोप डॉट फाइंड है, इसमें भी यही एट्रीब्यूट यूज़ हो सकते हैं, जो कि ये आपके पास लिस्ट देगा, लिस्ट ऑफ बी एस फोर एलिमेंट्स, और ये आपके पास सिर्फ बी एस फोर एलिमेंट एक टैग देगा। हमें ज़रूरत थी क्लॉज की, हम कौन से क्लास को ढूंढना है, हमें इस क्लास को ढूंढने हैं। तो ये हमारे पास लिंक्स देगा जो इस क्लास से, जो जिसमें ये क्लास मौजूद हो। ये हमारे पास वो सारे लिंक्स आ गए जिसमें ये क्लास हो। अब हम पता कैसे लगाएंगे कि 37 है या वही है? तो हम देखते हैं लेंथ के थ्रू कि कितने इस लिस्ट में, कितने थर्टी सेवन। अच्छा जी, आप ये भी सोच रहे हैं कि मैं ये कैसे रन कर रहा हूँ। तो मैंने पाइथन जो है पाथ में ऐड किया हुआ है। अगर आप इंस्टॉल करते हैं तो आपसे पूछते हैं कि पाथ में ऐड करना है या नहीं। और जब आप ये आइडियली रन करते हैं, तो यहाँ इसमें टूल्स में जाकर बिल्ड रिजल्ट, बिल्ड सिस्टम जो है मुख्तलिफ होते हैं। पाइथन जब आप इंस्टॉल करते हैं तो ये रिकग्नाइज करता है डॉट पाइथन या डॉट टेक्सटी या डॉट सी, जो भी आपने लैंग्वेज सेलेक्ट की है, खुद रन कर रहे हैं, तो ये डॉट पाइथन से ये कर रहा है कि ये पाइथन की स्क्रिप्ट है। जब आप रन करेंगे तो आपके पास ऐसा पॉपअप शो होगा, आपने पाइथन सेलेक्ट करके सेलेक्ट करनी है और ये होदी रन हो जाएगा। कंट्रोल बी, कंट्रोल शिफ्ट बी जो है, आपके पास ये सिलेक्शन आ जाएगी कंट्रोल शिफ्ट बी से, और कंट्रोल बी से ये रन होगा। चलो हम शुरू करते हैं। ये हमारे पास 37 जो है, वह वहाँ भी हमारे पास 37 थी, यहाँ भी हमारे पास 37 आ गई। अब हम इसमें एक एक एट्रीब्यूट हम उठाएंगे। तो फॉर लूप से बेश, जैसा कि हम जानते हैं कि लिंक्स जो है एक लिस्ट है, तो ये लिस्ट पे हम आइट्रेशन कैसे कर सकें, फॉर लूप के थ्रू। अब हम एक एक लिंक प्रिंट करेंगे। तो ये हमारे पास एक एक लिंक प्रिंट हो गया, लेकिन हमें ये चीज़ नहीं चाहिए, हमें इसमें एट्रीब्यूट्स चाहिए या इसकी टेक्स्ट चाहिए या जो भी हो। मैं इसमें एडवांस नहीं जाऊँगा फिलहाल। फिलहाल मैं इसका जो है एट्रीब्यूट फाइंड करूँगा और इसका जो है टेक्स्ट फाइंड करूँगा, वो चीज़ें मैं फाइंड करूँगा। इसमें मैं एडवांस नहीं जाऊँगा, जैसा कि चिल्ड्रंस इसके, जैसा कि पेरेंट इसके, जैसे कि सिबलिंग्स इसके, वो चीज़ें मैं फ़िलहाल फाइंड नहीं करूँगा। फ़िलहाल मैं इसके एट्रीब्यूट्स और टेक्स्ट निकालूँगा। तो हमारे पास जो यू आर एल है वो इस रेफ में होता है। तो हम देखते हैं लिंक डॉट गेट, चूँकि इसके एट्रीब्यूट्स जो है
वो एक डिक्शनरी के फॉर्म में सेव होते हैं। इस लिंक में, लिंक जो है एक क्लास इसमें सेव हुई है, तो इसमें एक डिक्शनरी के फॉर्म में जो एट्रीब्यूट्स सेव हुए, तो हम डॉट गेट के थ्रू वो एक्सेस कर सकते हैं। आप ऐसे भी, जैसे कि हम डिक्शनरी एक्सेस करते हैं, आप ऐसे भी एक्सेस कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल एचरेफ। लेकिन अगर इसमें एचरेफ नहीं होगा तो आपको वो एरर देगा, इसलिए हम डॉट गेट से हासिल कर सकते हैं इसे। इसमें सेकेंड एट्रीब्यूट जो है वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल आपने सी पढ़ी हो तो उसमें अगर आप स्विच स्टेटमेंट यूज़ करें तो इसमें डिफ़ॉल्ट एक आर्गुमेंट होता है, अगर वो चीज़ें ना हो तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू ही दे दे। तो ये यहाँ भी अगर इसमें एचरेफ नहीं हो, इसकी वैल्यू फाइंड नहीं हो, तो आप ये दे दें, फॉर एग्जांपल नन। इस बाय डिफ़ॉल्ट इसकी ये वैल्यू होती है नन। आप इसको स्लैश भी कर सकते हैं या जो भी आप करें वो कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एचरेफ की वैल्यू आएगी, जो कि ए एल है, ए जेड है, ए आर है, इस तरह के। और दूसरा जो है टेक्स्ट, इसका टेक्स्ट जो है फॉर एग्जांपल अलबामा, अरिजोना, इस तरह की चीज़ें, तो वो हम यू आर एल डॉट टेक्स्ट के थ्रू भी कर सकते हैं और यू आर एल डॉट गेट टेक्स्ट के थ्रू भी कर सकते हैं। मैं ज़्यादातर डॉट टेक्स्ट यूज़ करता हूँ। अच्छा जी, हम इसके साथ एक और फंक्शन लगाएंगे जो जो कि स्ट्रिंग का फंक्शन है, डॉट स्ट्रिप। ये हम क्यों यूज़ करते हैं? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एट्रीब्यूट है, अलबामा एट्रीब्यूट ले ले, तो इसमें अगर हम ये ए का टेक्स्ट लेते हैं, फॉर एग्जांपल इसमें कभी कभी हम हमारे पास ऐसे टेक्स्ट आ जाते हैं, ये शो एक ही होता है, हमारे पास सिंपली शो होता है। लेकिन अगर ऐसे आए तो हमारे पास, देखिए वैसे ही शो हो रहा है, लेकिन इसमें बहुत से एंटर्स है, न्यू लाइंस है, स्पेसेस है, तो वो यहाँ हमारे पास शो हो जाती है, हमारे पास शो होती है, इसलिए हमें उसे निकालना होता है स्टार्ट से और एंड से। तो ये क्या करता है, वाइट स्पेसेस और न्यू लाइंस जो है स्टार्ट और एंड से निकाल देता है। तो ये हमारे पास ज़रूरी है, फ़िलहाल यहाँ नहीं, लेकिन बहुत सी चीज़ों में हमारे पास ये ज़रूरी होती है, बहुत सी जगह पे जहाँ हमारे पास एक्स्ट्रा स्पेसेस जो स्टार्ट और एंड से निकालनी होती है। अब हम इसका टेक्स्ट और जो है इसका लिंक जो है वो पोस्ट करेंगे यूआरएल। यूआरएल नहीं, सॉरी, लिंक में जो है टेक्स्ट है, यूआरएल में नहीं, यूआरएल तो एक्स। तो ये हमारे पास आ गई सबके लिंक्स और नेम्स। तो ये टेक्स्ट था, ये उसका लिंक है, टेक्स्ट उसका लिंक, लेकिन लिंक हमारे पास जो है फुल नहीं है, सिर्फ हम हमारे पास जो डिक्शनरी उसमें नेक्स्ट पोर्शन जो था, ये एएल पोर्शन जो है ये उसने उठाई हुई है। तो ये मैं, हम कैसे पिक्स करेंगे, जो हमने मेन साइट सेव की है उसके साथ जोड़कर, मेन साइट प्लस। तो यहाँ हमारे पास कैसे आएगा, एल एजेड, इस तरह हमारे पास ये आएगा। अब हम इसको रीरन करते हैं तो ये हमारे पास एट्रीब्यूट्स जो लिंक्स थे वो हमारे पास पूरे हो गए, ये हमारे पास लिंक्स पूरे हो गए। अब हम इस इन लिंक्स को एक लिस्ट में सेव करते हैं, जिसे हम देंगे फॉर एग्जांपल स्टेट्स, जो कि स्टेट्स के नेम है, तो हम स्टेट्स देंगे। हम क्या करेंगे, स्टेट्स डॉट अपेंड यू आर एल, चूँकि हमें सिर्फ यू आर एल की ज़रूरत है, इसलिए हम इससे यू आर एल लेंगे। तो ये हमारे पास जो टैग्स थी, जो सिंपल यू आर एल्स थी, वो हमारे पास सेव हो गई एक लिस्ट में। अगर हमने
अगर हमें इस ये काउंट चाहिए, ये काउंट, तो ये भी हम एक्सेस कर सकते हैं जो कि इसके एट्रीब्यूट में है डेटा काउंट। तो हम देखते हैं लिंक डॉट गेट, एक एट्रीब्यूट है इसमें डेटा काउंट, ये हमारे पास वही हो गई 27 8, जो यहाँ है 27 8 जी। इसकी और टेक्स्ट की हमें फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें सिर्फ URLs की ज़रूरत है आगे जाने के लिए, तो हम सिर्फ URLs ही सेव करेंगे। एक अब हम क्या करेंगे, एक एक स्टेट में जाएंगे और वहाँ से सिटीज़ के नेम लेंगे, सिटीज़ के लिंक्स लेंगे। अब यहाँ ख्याल करें, अगर मैं इस मोर देन वन पे क्लिक करूँ तो ये कहाँ जाता है, ये हमें लिंक्स लिस्ट ऑफ स्टोर्स दिखा देता है, लिस्ट ऑफ स्टोर्स। लेकिन अगर हम वन वाले पे क्लिक करें तो ये डायरेक्ट स्टोर पे चला जाता है, तो इसका ख्याल हमें रखना है, जो कि लॉजिक हमने बनानी है, तो लॉजिक हम बनाएंगे बाद में, पहले हम इसे स्क्रैप कर लें। अच्छा यहाँ देख लें, यहाँ जब वाशिंगटन DC है इसमें 2 है, जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये सीधा सीधा लिस्ट ऑफ स्टोर्स पे चला जाता है, इसमें सिटीज़ नहीं आती, तो इसका ख्याल भी हमने रखना है। अब हम इस स्टेट्स पर आइट्रेशन करेंगे, एक स्टेट एक एक स्टेट में जाएंगे। सही, और उसमें रिक्वेस्ट करेंगे और इज इक्वल टू, और की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं आर ही लिखता हूँ, जो स्टेट्स एक लिस्ट है उसमें एक एक आइटम जो है उसको हम रिक्वेस्ट भेज रहे, गेट रिक्वेस्ट, और उसका शो ही बनाएंगे वैसे ही जिस तरह हमने ऊपर बनाया हुआ था, और डॉट टेक्स्ट स्लैश lxml। आप इस पोर्शन को एक फंक्शन में भी लिख सकते हैं और फिर जो भी चाहे आप कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं इसको नहीं लिख रहा, ऐसे ही मैं कर रहा हूँ। अब मैंने शॉप बना दिया, अब देखते हैं कि ये इसका क्लास नेम या जो भी है वो क्या चीज़ है। तो इसका क्लास नेम भी वही डायरेक्टरी लिस्ट लिंक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं ये पोर्शन कॉपी करूँगा, यहाँ पेस्ट कर दूँ, इस स्टेट्स वेरिएबल को यहाँ रखूँगा और ये इसको दूँगा सिटीज़, क्योंकि हम सिटीज सेव कर रहे हैं तो ये सिटी होगा, और इस मेन साइट को जिसे आप नोटिस कर रहे हैं यहाँ al/bismar जो है, जो मेन साइट से शुरू नहीं हो रही वो भी वैसे ही है, तो हम इसे भी मेन साइट के साथ ऐड करेंगे और इसको सिटीज़ में मैं सेव करूँगा। चूँकि बहुत से स्टेट्स हैं इसलिए ये ज़्यादा टाइम लेगा, और मैं अगर मैं इसे अब रन करूँ तो मैं पहले ही सिटी में सरफ जाऊँगा और उसे सिटीज़ निकालूँगा। यहाँ मैं सिटीज़ प्रिंट कर लेता हूँ ताकि मुझे पता चले, तो ये हमारे पास सारी सिटीज़ के नेम आ गए। अब हम क्या करते हैं, एक एक सिटी में जाएंगे, जैसे कि हमने बोला था, एक एक सिटी में जाएंगे और वहाँ से ये चीज़ उठाएंगे, सॉरी ये चीज़ें उठाएंगे। अब हम यहाँ ये कैसे पता लगाएंगे कि ये हमारे पास लिस्ट है या डायरेक्ट जो है स्टोर है, तो हम इस यहाँ इसमें एक यूनिक टैग फाइंड करेंगे जो यहाँ ना हो मगर यहाँ हो, या यहाँ ना हो और यहाँ ना हो और यहाँ हो। तो इसमें एक टैग है नेम
हीरो लोकेशन या हीरो नेम जो है जो उस लिस्ट में नहीं है, यहाँ नहीं है, तो हम इसको फाइंड करेंगे एक एक सिटी में जाकर, सिटीज सोब बनाएंगे और क्या फाइंड करेंगे, हम फाइंड करेंगे इफ सोप डॉट फाइंड, जैसे कि मैंने कहा था कि हम अगर एक एलिमेंट फाइंड करना चाहें तो हम कर सकते हैं, चूँकि हीरो नेम जो है वो एक क्लास नेम है, तकरीबन क्लास नेम है, तो हम क्या करेंगे, क्लास अगर ये वाला हमारे पास फाइंड हुआ, अगर ये मौजूद हो, अगर ये मौजूद ना हो तो हमारे पास क्या आएगा, नन, और जो कि ऑलरेडी फॉल्स है, अगर ये मौजूद हो तो हमारे पास ट्रू हो जाएगा। हम इसको स्किप कर लेंगे, स्किप कैसे करेंगे, हमारे पास जहाँ जो स्टोर्स का लिस्ट है, स्टोर्स का की लिस्ट है, उसमें हम स्टोर करेंगे इसको, फॉर एग्जांपल, मतलब इसका मतलब क्या होगा कि ये स्टोर है, इसमें आगे ना जाए, ये लिस्ट नहीं है बल्कि स्टोर है, तो ये स्टोर में सेव करके नीचे जो कोड है वो स्किप कर लेगा। अब नीचे कोड हमने क्या बनाना है, नीचे कोड हमने इसके लिए बनाना है, लिस्ट के लिए, जो कि ये यहाँ से लिंक्स उठाएगा, जो कि टीजर टाइटल लिंक है, लिंक्स जो है वो क्या चीज़ है, सो डॉट फाइंड ऑल, क्लास नेम जो है वो क्या है, टीजर टाइटल लिंक। अब इसमें हम फॉर लिंक इन लिंक्स क्या करेंगे, स्टोर्स में एक एक डाल देंगे, स्टोर्स डॉट एंड, हाँ पहले हम URL लिंक आ लेंगे, URL इज इक्वल टू लिंक डॉट गेट जो है href है, और उसको मेन साइट के साथ। अब यहाँ ख्याल करें, यहाँ जब हम देखें लिंक को तो यहाँ डॉट डॉट स्लैश लिखा हुआ है, अगर हम इसको मेन के मेन सवाल करें, मैं ज़रा इसको कॉपी करूँ, अगर हम इसको मेन वेबसाइट के साथ जोड़ लें, देखें अब अगर हम इसको मेन वेबसाइट से जोड़ लें तो ये हमारे पास ऐसे बन जाएगा, क्योंकि बहुत सी जगहों पर ये हमारे पास ये डॉट डॉट का मतलब है बैक जाओ, तो ये हमारे पास इस तरह बन जाता है, इसलिए हम इस डॉट डॉट को रिमूव करेंगे, किस चीज़ के थ्रू, रिप्लेस डॉट डॉट स्लैश, और हम उसे एक एम्प्टी टेक्स्ट पर रिप्लेस कर लेंगे, मतलब हटा दोगे, तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, मेन साइट प्लस लिंक डॉट जो है, मतलब हमारे पास बाकी लिंक और यहाँ मेन साइट, तो ये हमारे पास हो गया URL। चूँकि हमने एक ही सिटी में फाइंड करनी है, एक स्टेट में जाकर एक ही सिटी में फ़िलहाल टेस्टिंग के लिए, तो हम ब्रेक लगाएंगे यहाँ ताकि ये और सिटीज़ में ना जाए, बस एक ही स्टेट में एक ही सिटी। अब हम यहाँ करेंगे प्रिंट स्टोर्स, तो ये हमारे फर्स्ट टू के लिंक्स आ गए। फर्स्ट टू के क्यों आए, यह हमारे पास पहले वाला जो था उसमें लिस्ट नहीं थी, डायरेक्ट जो है स्टोर थी, तो वो यहाँ स्टोर हो गई और फॉर लूप दोबारा शुरू हुआ, ब्रेक पे नहीं आया। दूसरे में हमारे पास लिस्ट थी, तीन लिस्ट थी,
स्टोर्स के। तो हमने तीन लिस्ट उठा दी यहाँ से, और फिर हमारे पास ब्रेक हो गया ये स्टोर, ये सिटीज़। तो ये हमारे पास आ गई स्टोर स्केलिंग। अब हम एक एक स्टोर से चीज़ें उठाएंगे, जैसा कि नेम, एड्रेस, स्ट्रीट एड्रेस, जिप कोड, सिटी नेम, स्टेट नेम, कंट्री नेम, मोबाइल नंबर, वो चीज़ें हमने उठानी है। तो हमारे पास एक एक लिंक जो है स्टोर्स में सेव है। हम क्या करेंगे, फॉर स्टोर इन स्टोर्स। अब हम एक एक स्टोर में जाएंगे। यहाँ हम स्टोर में आ गए, तो ये हमारे पास जो है नेम है, ये हमारे पास यहाँ अगर हम HTML में देख ले तो ये हमारे पास स्ट्रीट एड्रेस है। अगर यहाँ देख ले तो ये हमारे पास स्ट्रीट एड्रेस 2 है, जो हमें ज़रूरत नहीं। हम एक ही स्ट्रीट एड्रेस जो है हमें ज़रूरत है। आप यहाँ से भी उठा सकते हैं, आइटम प्रॉप में जो है स्ट्रीट कंटेंट में पड़ी हुई है। स्ट्रीट एड्रेस लोकेलिटी जो है हमारे पास सिटी नेम है, और ये एड्रेस सिटी जो मतलब हमारे पास एड्रेस सिटी है, स्टेट हमारे पास अलबामा है, और पोस्टल कोड हमारे पास ये है, और ये हमारे पास कंट्री है जो ABBR में पड़ी हुई है। यहाँ भी पड़ी हुई है लेकिन हमारे पास ABBR में टाइटल में पड़ी हुई है, जो हम उठाएंगे। और ये हमारे पास पून है, इसमें जो है एक मेन रीज़न है जो मैं अभी बताऊंगा। पहले हम क्या उठाएंगे, पहले हम ये स्ट्रीट एड्रेस उठाएंगे जो आइटम प्रूफ में पड़ी हुई है। मतलब आइटम प्रूफ स्ट्रीट एड्रेस में कंटेंट में पड़ी हुई है, जो कि दोनों स्ट्रीट एड्रेस के जो एडिशन है। फॉर एग्जांपल स्ट्रीट एड्रेस 1 और स्ट्रीट एड्रेस 2। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम रिक्वेस्ट भेजेंगे उस स्टोर को, और फिर क्या करेंगे उसका सोप बनाएंगे। और अब हम क्या करेंगे, इन चीज़ों को फाइंड करेंगे। एक स्टोर में है नेम, तो नेम जैसा कि हमने फाइंड किया था हीरो हीरो नेम, लेकिन हमें हीरो नेम नहीं, हीरो लोकेशन जियो चाहिए, जो कि असल नाम है इस स्टोर का। तो हमें क्या चाहिए, सोप डॉट फाइंड, हमें एक एलिमेंट चाहिए, तो हम फाइंड ही यूज़ करेंगे। क्लास इक्वल टू हीरो लोकेशन जियो। अब हमें इसका टेक्स्ट चाहिए, तो हमें डायरेक्ट लिंक देंगे डॉट टेक्स्ट। दूसरी चीज़ हमें क्या चाहिए, हमारे पास स्ट्रीट एड्रेस है, जो कि यहाँ आइटम प्रॉप के थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं, मेटा टैग में है। सॉप डॉट फाइंड मेटा, और यहाँ हम एडिशनल जो है फॉर एग्जांपल आइटम प्रॉप जो एक एट्रीब्यूट है जो कि स्ट्रीट एड्रेस जिसमें है वो हमें उठानी है। तो डॉट txt, इससे हम क्या कर लेंगे, वो डॉट txt हमने नहीं उठानी, हमने कंटेंट जो एट्रीब्यूट है वो उठानी है। फॉर एग्जांपल इसके कंटेंट एट्रीब्यूट में वो वैल्यू है, टेक्स्ट में नहीं, इसकी टेक्स्ट नन है, तो हमने वो कंटेंट एट्रीब्यूट उठानी है। दूसरी चीज़ हमें स्ट्रीट एड्रेस चाहिए, जो कि यहाँ भी है एड्रेस लोकेलिटी और यहाँ भी है। तो अगर आप जो भी करना चाहें आप दोनों कर सकते हैं। मैं यहाँ से उठाऊँगा स्ट्रीट सिटी नेम, सोप डॉट फाइंड क्लॉज इक्वल टू सिटी एड्रेस में। अब मैं स्टेट का नेम उठाऊँगा, सोप डॉट फाइंड क्लॉज प्लस इक्वल टू जो कि स्ट्रीट एड्रेस सिटी है, और इसमें इसके साथ डॉट टेक्स्ट भी लिख दे, ताकि सिर्फ टेक्स्ट ही हम पूरा क्लॉज नहीं बल्कि टेक्स्ट ही सिर्फ उठाएं। अब हम जिप कोड या पोस्टल कोड जो भी आप इसको कहें, वो किस चीज़ में पड़ी हुई है वो
स्ट्रीट एड्रेस पोस्टल कोड में, और जो चीज़ सिट कंट्री नेम ऑलरेडी यूनाइटेड स्टेट है, लेकिन अगर आप डालना चाहें तो आप ऐसे साथ डाल सकते हैं, जो कि पहले पहले एट्रीब्यूट हमारे पास क्या है, हमारे पास है ABPR जो टैग है, उसमें हमारे पास आइटम प्रॉप है, और वो क्या चीज़ है, एड्रेस कंट्री। आप क्लास के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं एड्रेस कंट्री नेम, सिटी एड्रेस कंट्री जो भी है, और इससे हमें क्या उठानी है, डॉट मतलब टाइटल जो है, टाइटल एट्रीब्यूट वो उठानी है। तो ये हमारे पास हो गया। अब हमें फ़ोन नंबर उठानी है, तो अगर आप यहाँ ये क्लास उठाना चाहे फोन डिस्प्ले या फोन डिस्प्ले विद लिंक, तो अगर इसमें आपने ख्याल रखना है कि अगले और ना हो, तो ये हमारे पास ज़्यादा है। अगर इसमें अगर फोन ना हो तो ये आपके पास गलत फोन उठाएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल नीचे फोन हो तो वो उठा लेगा, तो इसका ख्याल रखें। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ भी फोन डिस्प्ले विद लिंक है और वहाँ भी है, तो हमें एक ऐसी एट्रीब्यूट्स चूज़ करनी है जो जो कि सिर्फ यूनिक हो। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ टेलीफोन आइटम प्रूफ टेलीफोन है और यहाँ नहीं है, यहाँ हमारे पास वो नहीं है, तो हम वो ही एट्रीब्यूट उठाएंगे। फोन हमारे पास क्या होगा, सॉप डॉट फाइंड, जो कि डिफ टैग है, और आइटम प्रूफ क्या चीज़ है, टेलीफोन डॉट टेक्स्ट, जो कि डॉट टेक्स्ट में है, इसके टेक्स्ट में पड़ी हुई, तो हम डॉट टेक्स्ट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। अभी इन वैल्यूज़ को फ़िलहाल मैं प्रिंट करता हूँ, प्रिंट करने के बाद मैं इन्हें सेव करूँगा CSV फाइल में। नेम इसे मैं एक लिस्ट के फॉर्म में लिख लेता हूँ ताकि वाज़े हो। सिटी नेम, स्टेट नेम, जिप कोड, कंट्री नेम और फोन। स्ट्रीट एड्रेस इज नॉट डिफाइंड, सॉरी यहाँ हमने एक डी नहीं दी। तो ये हमारे पास उन चारों के स्टोर्स के का डेटा आ गया। ये हमारे पास नेम हो गया, स्ट्रीट एड्रेस होगी, सिटी नेम, स्टेट नेम, जिप कोड, कंट्री नेम, फोन नंबर, ये सब का डेटा हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ मैंने पहले बताया था स्टेट में एक सिटी था जो कि सीधा स्टोर्स ऑफ लिस्ट में जाता था। अब हम इसको कैसे पॉइंट करेंगे, उसमें हम देखेंगे कि अगर टीज़र लिंक हो तो उसे स्किप कर लें। यहाँ जो थी इफ, यहाँ नहीं, हम कहाँ देंगे, यहाँ हम देंगे if soap dot find clause equal to teaser link, then क्या करना है, इसको cities में add करके append
जो है स्टेट वही यू आर डालनी है और कंटिन्यू कर लेना है। तो अब हम ब्रेक हटा लेंगे इससे और हमने क्या करनी है, क्या करना है, अभी हमने एक जो है एक इम्पोर्ट सी एस वी जो कि एक सी एस वी मॉड्यूल है और हमें इस में इसके थ्रू हम सी एस वी में राइटिंग कर सकते हैं, एक सी एस वी फाइल बना सकते हैं। पहले हम बनाते हैं एक फाइल, फाइल जो है ओपन कर लेते हैं स्टोर्स डॉट सी एस वी और इसे डब्ल्यू करते हैं मतलब राइटिंग के लिए और इसे इनकोडिंग इसकी करते हैं UTF-8। इनकोडिंग क्या है, इनकोडिंग हमारे पास कभी कभी इसमें ऐसी फॉन्ट्स आ जाते हैं लेकिन जैसा कि हमारे पास फ्रेंच स्टाइल में टेक्स्ट आ गए, उर्दू राइटिंग आ गई या चाइनीज़ में आ गई तो वो सपोर्टेड नहीं है कुछ कुछ फॉर्मेट्स में, तो हमारे पास UTF-8 में सही हो जाती है। जैसे कि इमेजेस आ गए, स्माइलीज आ गए तो वो UTF-8 में सपोर्टेड है तो इसलिए वो सेव हो जाती है इसमें। न्यू लाइन, हमारे पास न्यू लाइन जो है सेपरेटर भी आप दे सकते हैं, न्यू लाइन में नहीं देता है, मतलब एक एक लाइन में ही आए। अब इसको सी एस वी फाइल बनाते हैं, सी एस वी राइटर, तो इसको सी एस वी में एक फंक्शन है सी एस वी डॉट राइटर या एक क्लास है सी एस वी डॉट राइटर जो उस फाइल को सी एस वी राइटर बना लेता है। अब इसमें हम हेडर सेव करते हैं तो इसमें हम सेव करेंगे एक रोल सेव करेंगे जिसमें हमारे पास फर्स्ट नेम होगा, सेकंड हमारे पास फ़ोन नंबर होगा, तीसरा हमारे पास होगा स्ट्रीट एड्रेस, फिर होगा हमारे पास सिटी नेम, फिर होगा हमारे पास स्टेट और फिर होगा कंट्री। ये तो हो गए, अब हम यहाँ सेव करेंगे इसको सी एस वी फाइल डॉट राइट रो और हाँ जिप कोड हमसे रह गया तो वो भी डाल लेते हैं, ये हमारे पास सेकंड नंबर पे था, जिप कोड हमसे कंट्री से पहले तो यहाँ हम जिप कोड डाल लेंगे, जिप या पोस्टल कोड, तो ये हमारे पास हो गया पोस्टल कोड। अब हम इसको यहाँ क्लोज कर लेते हैं, इस फाइल को हम क्लोज कर लेते हैं फाइल डॉट क्लोज और यहाँ हम अपने अपने लिए लिखते हैं कि ये वाला स्टोर प्रिंट हो गया। और यहाँ हम लिखते हैं डन, तो ये हमारे पास लेवल वन की स्क्रैपिंग थी, इससे इजी हमारे पास कोई स्क्रैपिंग नहीं, सॉरी। हाँ सॉरी सी एस वी नहीं, सी एस वी फाइल, ये हमारे पास थी लेवल वन की स्क्रैपिंग, इससे ज़्यादा सिंपल स्क्रैपिंग नहीं है, ये सिंपल सी स्क्रैपिंग थी रिक्वेस्ट और BS4 के मॉड्यूल पे। आप बहुत से और मॉड्यूल्स यूज़ कर सकते हैं जैसा कि सिलेनियम, स्क्रैपी, स्पाइडर और चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर रिक्वेस्ट मॉड्यूल और BS4 मॉड्यूल यूज़ करता हूँ। तो मेरी सारी ट्यूटोरियल्स, बहुत सी ट्यूटोरियल्स जो है इसके मुताबिक होगी, एक आधी जो है वो पाइक्यूटी वेब एजेंट पे होगी जिसमें हम एंटी बोर्ड बाईपास भी करेंगे और सिलेनियम भी होगी, सिलेनियम में हम रियल क्रोम ब्राउज़र से भी टच करेंगे और भी बहुत चीज़ें होंगी तो वो हम बाद में कवर करेंगे। अभी हमारे पास
यहाँ भी आप प्रिंट कर सकते हैं कि मतलब स्टेट्स पे फाइंड कर रहा है, यहाँ भी आप कर सकते हैं कि मतलब सिटीज़ फाइंड कर रहा है, यहाँ भी आप कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल स्टोर्स के लिंक्स फाइंड कर रहा है, और यहाँ भी आप डाल सकते हैं। अभी हमारे पास फॉर एग्जांपल शायद ये स्टोर्स में जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत से सिटीज़ और बहुत से स्टेट्स हैं, तो ये सब में जा रहा है। ये एक एक स्टेट में जाके एक एक सिटी से सारी उठा रहा है, सारी स्टोर्स उठा रहा है, तो इसलिए ये वक्त लेगा। अच्छा, तो ये मैंने प्रिंटिंग कर ली, मतलब प्रिंट जो यूआरएल्स हम स्क्रैप कर रहे हैं, जो वो स्टेट्स में जा रहे हैं तो स्टेट प्रिंट करें, और फिर सिटी जा रहे हैं तो सिटी के लिंक्स और टेक्स्ट प्रिंट करें, लेकिन हमें पता चले कि ये रन हो रही है कि नहीं। तो ये हमारे पास, ये देखिए हमारे पास ये रन हो रही है, ये हमारे पास पहले अलबामा और जो थी वो चीज़ें हो गई, फिर हमारे पास सिटीज़ में आ गई, अब हमारे पास जो है स्टोर्स में रन हो रही है, तो ये हमारे पास बहुत से स्टोर्स है इसलिए ये बहुत सी टाइम ले रही है। मैं फ़िलहाल इसे एक ही स्टेट में करता हूँ ताकि हमारे पास रिज़ल्ट आ जाए और हम देख लें। तो ये हमारे पास सिटीज़ हो गई, अब उस सिटीज़ में जो है तकरीबन 20 स्टोर्स है, तो वो आएंगी। ये वो चीज़ें नहीं दिखा रही, ये हमारे पास अब स्टोर्स स्क्रैप हो रही है। ये 5-6 इसलिए आ गई कि इसमें बहुत सी चीज़ें, बहुत से जो है वो मोर देन वन है, ये 5-6, और जो वन सिर्फ ओनली वन स्टोर है सिटीज़ जो थी वो इसमें नहीं आई क्योंकि वो मैंने प्रिंट नहीं की। तो ये हमारे पास जो 20 स्टोर्स है वो स्क्रैप हो रही है, और ये हमारे पास डन हो गया। अब देखते हैं कि ये वाकई डन हुआ क्या नहीं, स्क्रैपिंग ट्यूटोरियल्स लेवल 1, क्योंकि मेरे पास एम एस एक्सेल है नहीं तो इसलिए वो मैं नहीं दिखा सकता। ये हमारे पास हो गई, अगर मैं आपको इसे एक्सेल फॉर्म में दिखाऊं तो ये हमारे पास, जो कि फर्स्ट स्टेट में 20 थी, तो ये हमारे पास हो गई 20 स्टोर्स। देखते हैं कि 20 है या इससे कम है या ज़्यादा है। मैंने पहले स्टेट का सिर्फ किया स्क्रैप, जो है मैंने सिर्फ पहले स्टेट पे रन किया, तो ये हमारे पास 20 मतलब 21 है, तो फर्स्ट जो है हेडर्स का है और बाकी जो है, तो ये हमारे पास 20 स्टोर हो गई। उसके फ़ोन नंबर, स्ट्रीट एड्रेस, सिटी, स्टेट, पोस्टल कोड और कंट्री, तो ये हमारे पास हो गई अलबामा की, और सिंपल सी स्क्रैपिंग। तो ये थी फर्स्ट वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी और आई होप कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको कोई मुश्किल हो या कोई कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, और सजेशन भी दें कि वीडियो कैसी है।
शायद ही कुछ गलती हुई हो, मतलब स्लो हूँ मैं या बोरिंग हो, इस तरह की कुछ हो तो वो आप सजेशन दे सकते हैं कमेंट्स में। बाकी मैं अपलोड करूँगा लेवल 2 लेवल 3 इस तरह के कुछ है, जो भी है लेवल्स मैंने बनाए हुए, तो उस हिसाब से मैं पोस्ट करूँगा। आप मैं ये कोड जो है आप मेरे वॉल पे गेट हब पे आप देख सकते हैं, मैं इसके साथ लिंक दे दूँगा, आप गेट हब पे वो वीडियो देख सकते हैं। बाकी अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं फिर दूसरी वीडियो में। थैंक यू।